खबर कासगंज के पटियाली से है। पटियाली में ब्लॉक प्रमुख शशि मिश्रा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है। पटियाली ब्लॉक प्रमुख शशि मिश्रा के खिलाफ क्षेत्र पंचायत सदस्य अशरफी देवी यादव ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसमें 60 में से 49 क्षेत्र पंचायत सदस्य मौजूद रहे और उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया और 2 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया है, जिसके बाद अशरफी देवी यादव को विजयी घोषित कर दिया गया है। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान ब्लॉक प्रमुख शशि मिश्रा वहां मौजूद नहीं रही। याद रहे, समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही लगभग सभी ब्लॉक प्रमुखों को अपने पद से हाथ धोना पड़ा था। इसी क्रम में पटियाली में भी इससे पहले 2 बार शशि मिश्रा के खिलाफ अशरफी देवी यादव ने अविश्वास प्रस्ताव ला चुकी हैं, लेकिन उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई थी। कल जाकर के वो अपने प्रयास में सफल हुई, जिससे साफ प्रतीत होता है कि सत्ता पक्ष अपने विरोधियों को किस तरह दबा रहा है। शशि मिश्रा जिले की एकमात्र ब्राह्मण ब्लॉक प्रमुख थी जिनको अपने पद से हाथ धोना पड़ा है। चुनाव के मद्देनजर प्रशासन ने पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी। पूरे नगर को चारों तरफ से सील कर दिया गया था और किसी भी व्यक्ति को फालतू आने जाने पर रोक लगा रखी थी। चुनाव के दौरान पूरे जनपद का पुलिस फोर्स, 1 प्लाटून पीएसी, महिला पुलिस और फायर ब्रिगेड के साथ एम्बुलेंस भी मौके पर मौजूद रही थी। ANG न्यूज ब्यूरो के लिए कासगंज के पटियाली से वैभव बासणे।